तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नार से सीधा तो मेरा नाम चमार देंगे। United States ended 20 years of war in Afghanistan. प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पेशावर में जो आज इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अंतोहनाक जो एक खुदकुश बम धमाका किया गया है पुलिस लाइंस की मस्जिद में, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद हो चुके हैं और 150 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। इन शहदा में, इन ज़ख्मियों में पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी पाकिस्तानी शामिल हैं। बहुत अफसोसनाक, तमाम पाकिस्तानियों का दिल इस वक्त जो है वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है। मसला ये है कि हमने ये तकलीफ़, हमने ये दर्द बहुत सहा है, पिछले कई सालों से सहा है, कम से कम एक दहाई से ज़्यादा का अरसा हो गया कि पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो खमियाजा भुगता, पाकिस्तान ने 80,000 से ज़्यादा अपने शहरियों की जानें इसमें गंवाईं, कई अरबों खरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद ये मामला थम गए थे, कुछ सुकून आ गया था। क्या वजह है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक बार फिर सर उठा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? कौन अपने गिरेबान में झांकेगा? ये जो आज 32 शहीद हुए हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और अभी पता चल रहा है कि कुछ मजीद जाने भी है मलबे के तले दबी हुई हैं, खुदा सबको महफूज रखे। जो शोहदा हैं उनकी, उनके लवाहिकीन के साथ, उनके वारसीन के साथ इजहार हमदर्दी कोई अल्फाज नहीं है उनका दुख बांटने के लिए, लेकिन ये दुख इन लवाहिकीन ने, इन वारसीन ने, इन पाकिस्तानियों ने, इन खानदानों ने, इन लोगों ने, इन आम पाकिस्तानी शहरियों ने बहुत भुगता है, हमने भी बहुत देखा है। तो क्या वजह है, ये सिलसिला आखिर कहाँ जाके थमेगा? कलदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है और रियासत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले डिसाइड किया था कि इसी कलदम तंजीम के साथ, इन्हीं पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो क्या ये मुज़ाकरात किए जाने के काबिल हैं, या क्या रियासत एक बार फिर एक जो कवि ऑपरेशन है, एक जो फैसला कुन ऑपरेशन है उसकी बुनियाद रखेगी? क्या उसकी तरफ हम दोबारा जाएंगे और क्या इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बार फिर मुत्तहिद हो सकेगी? इस वक्त जितनी सियासी पोलराइजेशन, सियासी जमातों के दरमियान, इमरान खान वर्सेस PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या एक बार फिर 2014 में जो वाकया हुआ, जो सानहा हुआ था, क्या उसकी तरह एक बार फिर 2023 में ये सारी सियासी जमातें एक नुक्ते पे पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठी हो सकती हैं? इस पे बात करेंगे, इस पे सवाल करेंगे। दूसरा, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में इस किस्म के दहशतगर्दी के इतने बड़े, इतने भयानक वाकयात होना, क्या खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो सकते, ताखीर का शिकार तो नहीं हो सकते? इस पे भी जाहिर है सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा, ख़ासतौर पे इमरान खान की जमात किस हद तक तैयार है। मुस्लिम लीग नून के जो आज वज़ीर कानून हैं, उन्होंने तो एक इंदिया दे दिया कि हो सकते हैं इंतखाबात ताखीर का शिकार, उसके लिए उन्होंने माजी का हवाला भी दिया। तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी की, PDM की हुकूमत की ऑलरेडी ऐसी कोई थॉट प्रोसेस उनका मौजूद है? इस पे सवाल करेंगे। प्लस मईशत के हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे और फवाद चौधरी के साथ जो हो रहा है, उनकी फैमिली को, उनसे उनकी मासूम बच्चियों को, उनके मासूम बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून की सीनियर शख्सियत हैं, MNA हैं, मईशत पे बड़ी गहरी इनकी नज़र होती है, बड़ा गहरा इनका जो है ना वो हाथ भी होता है मईशत के ऊपर। और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, मरकजी तर्जमान भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त MNA हैं उनकी। सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, क्या वजह है ये दहशतगर्दी एक बार फिर से सर क्यों उठा रही है? आपको इसके पीछे रीजन क्या नजर आता है और क्या अब वक्त आने गया कि इसी दहशतगर्दी के खिलाफ एक बार फिर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं? जो नेशनल एक्शन प्लान रद्दी की टोकरी में चला गया, अलमारियों में चला गया, गर्दो गुबार का शिकार हो गया, उसको रिवाइव किया जाए? और क्या आपको लगता है कि इस दहशतगर्दी का, ये जो सारे वाकयात हो रहे हैं, इनकी वजह, इनका असर इलेक्शंस पर पड़ सकता है? सेंटर नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जो 44 शहीद
पुलिस अफसर जो अहलकार शहीद हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें और फैमिली को सब्र अता करें। जब तक इसका ताल्लुक है, ये पहले भी, आज जैसे आपने बोला अपने इंट्रो के अंदर कि पहले भी कुछ अरसा, कुछ साल, काफी साल पहले बहुत ज्यादा ये पेशावर के अंदर हमले वगैरह होना शुरू हो गए थे। अब ये फिर एक नजर आना शुरू हो गया। अफसोस की बात यह है कि ये जो हुआ है, ये कंटोनमेंट के साथ पुलिस लाइन लगे, गवर्नर हाउस कंटोनमेंट, फाइव स्टार होटल है साथ, उसके साथ कंटोनमेंट ये पुलिस लाइन है। वो सर रेड जोन है, एक तरह से रेड जोन है, हाई सिक्योरिटी का एरिया है सर, ये सही आपने कहा, रेड जोन है। इतने सिक्योर एरिया के अंदर एक तकरीबकार अंदर आता है और उस मस्जिद में और उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ सिर्फ पुलिस लोग, पुलिस वाले जाते हैं, सेंटर नहीं जाते, उधर एक तकरीबकार खुद के शमले वाले अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म बाय नो जो आम लोग शहीद है वो नहीं, जो हेड है, जो आई जी है, जो डी आई जी है, उनकी कमजोरी है, ये प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज़ हैं। सर सर मैं कोई सियासी सवाल नहीं करूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जब बनू सीटीडी का वाकया हुआ था और उससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा पिछले काफी तवील अरसे के साथ, खासतौर पे पिछले डेढ़ साल के दौरान शिकार है ऐसे वाकयात का, तो उस वक्त सवालात उठाए गए, उंगलियां उठाई गई कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत है वो बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, फंड्स नहीं दिए जाते, इसकी इसकी जिम्मेदारी सर किस पे आयद करेंगे आप? नहीं, मैं तो रीदा आई विल डिसएग्री विद यू। अगर सुबों को देखा जाए ना, सबसे अच्छी पुलिस फोर्स केपीके की है, पोलाइट, थोड़ा प्रोफेशनल, और बहुत शहादतें दी हैं, बहुत शहादतें दी हैं उन लोगों ने सर। आवाम ने, आपने 80,000 का बात किया, 6,000 फौजियों ने शहादतें दी है, सारा ऐसी एक्टिविटीज होती है पाकिस्तान में, 70% ये केपीके में होती है, अफगानिस्तान ये सारा ओरिजिनेट करता है, अफगानिस्तान जो आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं, जिनकी बात करते हैं, देयर बेस्ड इन अफगानिस्तान। हम पठान लोग तो बदल लेने वाले हैं, हमारा जो वो है ना कैरेक्टर ट्रेट्स, उसमें बदला लेने वाले हैं। अगर हमारे 44 आदमी मरे तो हमें पठानों को इसका बदला हम लेंगे। हमारी इस हुकूमत से कहते हैं हम कि ये वेदर ये अफगानिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट करते हैं, अफगान हमारी एयरफोर्स है, हमारा फौज है, दे शुड ऑपरेट अगेंस्ट देम। उनको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो गया या जो भी है जो अफगानिस्तान में रिफ्यूज दे रहा है, उसको खत्म करना आपका काम। सर 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 मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप दो टोक बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आज के इस प्रोग्राम में, इस फ्लोर पे खुल के बात हो, जहां खामी है, जहां कमी है, उसकी निशानदेही हो, ताकि ये मसला, ये सिलसिला खत्म हो। लेकिन सेंटर नुमान साहब, एक क्विक क्वेश्चन, देन आई हैव टू गो टू नाज़ साहिबा एंड कैसर अहमद शेख साहब। सेंटर नुमान साहब, आप एग्री करते हैं कि टीटीपी के साथ, कलदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? They must be dealt with iron hand. गरीदा तहरीके तालिबान पाकिस्तान छोड़े, मैं अफगान गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। अफगान गवर्नमेंट ना उसके मुल्क में इंटरफेयर करना चाहता हूँ, ना वो हमारे मुल्क में इंटरफेयर करे। फेंसिंग की हुई है, आप अपनी जगह हो रहे हैं। आप अगर समझते हैं अफगान आपको सपोर्ट करेगा, अफगान अवाम पाकिस्तान के दुश्मन है। हयातबाद में लास्ट ईयर 14 अगस्त को पेशावर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगाए, पाकिस्तान का झंडा जलाया। ये वो लोग थे जिनको हमने पाला, जिनको हमने मेहमान बनाकर रखा, उनने आपके साथ करे। आप क्या समझते हैं उसे मुज़ाकरात करेंगे? आप मुज़ाकरात तो दे रहा लाफ एट यू। ना वो इंडियंस के सपोर्टर्स हैं, ना पाकिस्तानी, ना किसी कौम के। वो अपनी एक एक एक, एक कौम है, एक अजीब सी कौम है जो किसी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको कुछ हेल्प देंगे। उसके साथ आपको कुछ नहीं करना चाहिए, उससे ताल्लुकात खत्म करना। वो अपना मुल्क चलाए जिस तरह चलाए, हमें अलहदा छोड़ दें, हमें आराम से छोड़ दे। बॉर्डर फेंस को मेंटेन करें, बॉर्डर फेंस को तोड़ना शुरू कर दिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड हैव टेकन एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया, फेंस काट कर। ठीक ठीक सर, आई हैव टू गो टू नाज़ बलोच साहिबा। नाज़ साहिबा, योर टेक ऑन दिस, इस वक्त आपकी हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का और मईशत का भी उसके साथ साथ ये दरपेश है, लेकिन दहशतगर्दी पर पहले बात कर ली जाए। इस वक्त जितनी सियासी पोलराइजेशन है, सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि आप लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक पार्लियामान के अंदर इजलास बुलाएं, इमरान खान को दावत दें, वहां पर आप इस्तीफे कबूल करते चले जा रहे हैं? आप लोग कैसे अकेले कैसे संभल पाएंगे, कैसे संभाल सकेंगे इतने बड़े मसले को दहशतगर्दी के?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ आज जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ और जिसके नतीजे में जो लोग शहीद हुए उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और दुश्मन की शरारतों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। देखिए, बात यह है गरीदा कि पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है गुज़िश्ता अदवार से, कई डिकेड से हम सफर करते आ रहे हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया और जिस तरह आप काकर साहब भी फरमा रहे थे कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे सिविलियंस ने कुर्बानियां दी हैं, 70 से 80 हजार अफराद की शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं इसी दहशतगर्दी के वाकियात को के ऊपर। तो मैं समझती हूँ इट इज हाई टाइम नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद सख्ती से होना चाहिए और मैं ये भी जानती हूँ कि पूरे पाकिस्तान भर में हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे डिफेंस के इदारे बहुत इस मामले को संगीनी से देखते हैं और रोजमर्रा की बुनियाद पे बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी के वाकियात हैं जिनको होने से रोका जाता है, लेकिन वो बातें जो है हम शायद टीवी पे, मीडिया पे उस तरह नहीं देख पाते कि जहाँ पे हमारे जवान जो है वो अपनी जान की बाजी देकर जो है ऐसे वाकियात को रोकने के लिए सरतोड़ कोशिशें करते हैं। दुश्मन जो है उसके अजायम को हमें रोंदना पड़ेगा और हम अभी भी इस वक्त जो एक जिस तरह मैंने आपसे कहा, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में हो, इन दुश्मनों के शरारतों से हम अपने आप को बचाने के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। जो आपने बहुत अच्छी बात कही गरीदा कि सियासी जमातों को अपनी जातियात से बालातर के जाती तफरुकात को पीछे रख के पाकिस्तान का सोचना होगा। अलमिया ये है कि यहाँ पे एक सियासी जमात पीटीआई जो है वो बजिद है और वो कहती है कि उसने किसी के साथ ना तो बैठना है, ना किसी के साथ उन्होंने इकोनॉमी पे बात करनी है, ना किसी के साथ बैठकर उनको लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी पे बात करनी है, उन्हें सिर्फ इक्तदार चाहिए, उनको सिर्फ वजीर आजम अपना चाहिए, उन्हें सिर्फ हुकूमत होली सोली अपनी चाहिए। तो ये जो अपनी जात की और अना की जंग है, जो इक्तदार की जंग है, खुदारा इससे बाहर निकलने का, यहां तक के खान साहब ने कह दिया कि आप लोगों ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं, साथ मिलाया है उनके कत्ल के लिए, इस पे आगे चल के कितने अफसोस की बात है। उस पे तो हमने उनको अदालतों की तरफ ले गए और हमने आसिफ जरदारी साहब की जानिब से उनको लीगल नोटिस भी जा चुका है कि 14 दिन के अंदर माफी मांगे, नहीं तो उनको इसका जो है जाना देना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है, डेफामेशन के कानून पाकिस्तान में मौजूद है, नो तैयार है। आप लोग खुद दावत देना, 2014 में भी ऐसा ही मामला था, उस वक्त तो सड़कों पर निकले हुए थे। देखिए खान साहब कोई छोटे बच्चे तो नहीं है ना, वो वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी अपनी एक सियासी जदोजहद स्ट्रगल जो भी वो कहते हैं कि उनका तजुर्बा रहा है, तो क्या ये उनको हमें उनके घर जाके उनको मना के लाना पड़ेगा? वो तो पार्लियामेंट को मकबूजा पार्लियामेंट कह के छोड़ के आपको आपको घर जाना पड़े इमरान खान के, आपको जहां पर भी जाना पड़े आप खान साहब की पीटीआई को बिठाए साथ, आप लोग तो उनको पार्लियामेंट से धक्के दे के बाहर, इतना बड़ा मसला है ये। देखें आप, देखें पार्लियामेंट 10 महीने तक उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए कि शायद अकल और फहम का मुजाहिरा करके पीटीआई वापस आएगी, लेकिन ये कहां का तरीकाकार है कि आप रातों रात उठकर एक दिन कह दें कि जी साइफर की वजह से मेरी हुकूमत गई, फिर आप कह दें जी हुकूमत बाजवा की वजह से गई, फिर अगले दिन उठकर कहें एस्टेब्लिशमेंट, फिर आप जरदारी साहब पे इल्जाम लगाएं। लेकिन प्लीज लेट मी फिनिश दिस गरीदा, प्लीज लेट मी फिनिश दिस बिफोर यू गो टू कैसर साहब। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान की कुर्बानी दी है, ये एक दहशतगर्दी का एक ऐसा खौफनाक हमें नुकसान पहुंचा था जिसको आज तक हम उस सदमे से बाहर नहीं निकले। फिर आप एक ऐसी पॉलिटिकल फैमिली को आप कहते हैं कि जी वो दहशतगर्दों को पैसे देकर खुदा ना खास्ता ऐसी वाकियात करवाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है और इस चीज की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं, सबको एक होना पड़ेगा। ये जो डिफेमेशन की लड़ाई है ये आप लोग अदालतों में
में लड़े, लेकिन इसके अलावा आप लोग साथ बैठे, अभी भी मुझे पोलराइजेशन नजर आ रही है। कैसर अहमद शेख साहब, आई हैव टू कम टू यू। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त भी पेशावर में है। वहां पर नासिफ उन्होंने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की, उनके साथ ताजियत की, जख्मियों की अयादत भी की है, और उस वक्त एक आला सतही मीटिंग भी चल रही है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जितनी कैसर अहमद शेख साहब सियासी पोलराइजेशन है, एक नवाज शरीफ के दौर में 2014 हुआ था, पिशावर में हुआ था, जिसके बाद सब मिलके बैठे, नेशनल एक्शन प्लान बनाया। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, फिर वही जरूरत है, कौन बिठाएगा? क्या एक बार फिर आर्मी चीफ को बिठाना पड़ेगा, फौज को बिठाना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को, सबको बिठाना पड़ेगा, या आप लोग कम अज कम इमरान खान को दावत तो देंगे? और क्या इस दहशतगर्दी की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन पे असर पड़ सकता है कोई? कैसर अहमद शेख साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, देखिए आजकल के जो हालात हैं, सबसे पहले तो आज का जो हुआ सानिया, उस पर हम सबको, हर पाकिस्तानी को नहायत अफसोस है, और अल्लाह ताला उस शहीदों की मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो जख्मी हैं उनका वो जल्द सेहतयाब हों, ये तो हम सब की दुआ है। बात ये है कि हमसे संभल नहीं रहा ये मुल्क, ये जो मुल्क हमने इतनी कोशिश के बाद हासिल किया, हम उसको उस पर अभी तक हमारा मैनेजमेंट नहीं बेहतर कर सके, हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सके। क्या हो रहा है कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन है, लेकिन आप देखिए कि हम 8-10 महीने से, पहले तो 5-6 साल से जब हम अपोजिशन में थे, तो हमारे लीडर्स और हम सब मिलके चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि मुल्क जो है तनाजुल की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं हुआ। कोई वो चोर डाकू ही कहते रहे हमें, हमारी तरफ इशारे करके चोर डाकू ही कहते रहे। चलो भारत जो हो गया, वो जब से गए खुद ब खुद वो असेंबली से चले गए, उन्होंने अपने आप को असेंबली से। सर आप सर, इतना बड़ा पेशावर का दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, आप अभी इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं, इसके दौरान भी आप इमरान खान को ब्लेम करने का सर कोई कंडीशन ढूंढ रहे हैं? मुल्क के मफाद में मिलके बैठे हम, मैं तो एक बार नहीं, मैं तो हर प्रोग्राम में उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। मुल्क हम सबका है, देखिए वो भी एक मुल्क की बड़ी पार्टी है, लेकिन वो बैठने को तैयार, किसी वक्त नहीं बैठने को तैयार। सर वो वापस आ रहे थे पार्लियामान में, आज अगर वो पार्लियामान में होते तो अभी पार्लियामान का इजलास बुला लिया ना सदर साहब ने, तो वहां डिस्कस होता ये पेशावर का दहशतगर्दी का बात। आप लोग इस्तीफे उनके कबूल करने शुरू कर दिए सियासतबाजी में? फरीदा इस तरह नहीं कहे, हमने उनको 10 महीने कहते रहे, वो वापस इसलिए आ रहे थे जब उन्होंने मोहसिन नकवी के यहाँ देखा कि वो इंटरिम हुकूमत बन गई है पंजाब की। उनके अपना बयान है कि ऐसा ना हो कि रियाज साहब और मियां शहबाज शरीफ जो है वो मिलके कोई इंटरिम हुकूमत यहाँ की बना ले और वो फिर उनके हाथ से निकल जाए। उनको तो सर, अगर आप इमरान खान पे सियासतबाजी का इल्जाम लगा रहे हैं तो आप लोगों ने भी जवाबी सियासतबाजी ही की ना, आपने उनको निगरान सेटअप की गुफ्तगू में से बाहर निकालने के लिए इस्तीफे कबूल कर लिए। सर आपने भी तो वही काम किया ना। मुझे बताइए, 10 महीने हम ये करते रहे, उनसे कितनी मिन्नतें हमने की। मैंने उनसे कहा कि चलो और नहीं तो आप फाइनेंस कमेटी में आ जाए, वहां बैठ के मुल्क की भविष्य के बारे में मिल के बात कर, कई बार उनसे कहा, असल में वो किसी कभी भी नहीं बैठ। मैं अभी भी उनसे कह रहा हूँ कि देखिए इंतशार में कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क में, ये क्या तरीकाकार है? वो कहते हैं जी इलेक्शन लड़ेंगे, 34 सीटों से इमरान खान साहब कैंडिडेट होंगे और फिर वो कोई सीट भी नहीं बनेगी। क्या चाहते हैं? अरबों रुपए लग जाएंगे, मुल्क के अरबों रुपए भी गायब हो जाएंगे और कोई सीट भी नहीं होगी। वो क्या आप समझ लीजिए उनसे, मुझे नेट रिजल्ट बताओ, क्या चाह क्या रहे इंतशार के अलावा उन्होंने, लेकिन उसका हल क्या है? तब भी अगर इस तरह भी है तब भी उनसे हम गुजारिश करेंगे कि मुल्क के मफाद में ये जो आज वाकया हुआ ना, पिछली बार आपने देखा कि 2016 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो वाकया सानिया हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। आज भी उस वक्त के आर्मी चीफ की मुदाखलत पे, अभी भी आर्मी चीफ को कहना पड़ेगा पीटीआई को, सर होना ये चाहिए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन करें इमरान खान को, या आपकी पार्टी के सीनियर लोग पीटीआई की सीनियर लीडरशिप के साथ, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सर के साथ बैठना चाहिए, लेकिन सर फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने लेना है ना, जिम्मेदारी आप लोगों की है, एक लेटर लिखें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम इमरान खान को, या फोन करें पर्सनली। इस वक्त अनाएं, मैं समझता हूँ हर एक इस वक्त अनाएं छोड़ के हर एक को एक दूसरे के साथ ये इस मामले के ऊपर बातचीत करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। सर पहला स्टेप आपने लेना है, पहला स्टेप नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लेना है सर, इमरान खान ने नहीं लेना, गवर्नमेंट में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। नून लीग पीपल्स पार्टी, हम उनको फोन करें इमरान खान को, लेटर लिखें, या आप लोगों की कोई कमेटी बने हाई लेवल।
अगर अगर अच्छा अगर अगर फर्ज कीजिए इनिशिएटिव भी लेंगे फिर भी वो वही बात करेंगे। सर इमरान खान को छोड़ देना, वो जो भी कहेंगे अगर वो इनकार करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे ना, कि इतनी सिक्योरिटी की ऐसी सूरत हाल में भी खान साहब नहीं बैठे तो खुद एक्सपोज होंगे ना। देखिए ना आज तक तो एक्सपोज हुए नहीं उनको, हम बीसियों बार आप देखेंगे तो सैकड़ों बार की बात हर कोई उनसे कह रहा है, और पिछले 8-9 महीने अभी भी मैं समझता हूँ। देखिए बात बात ऐसी नहीं है, मुल्क सबका है, इसमें कोई अनार नहीं है, कोई हम सबको अपनी अनाओं को छोड़। सर आप लोग इलेक्शन तो नहीं डिले करवाएंगे ना? सर आप लोग इलेक्शन तो डिले नहीं करवाएंगे ना सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से? कैसर साहब जी जी मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं यही समझता हूँ। देखिए इतने इतने टॉप आप ये नुमान वजीर साहब मैं जानता हूँ इनको, ये बड़े ब्रॉड माइंडेड शख्सियत है। आप पीटीआई में, मुस्लिम लीग में, पीपल पार्टी में बड़े बड़े अच्छे ऐसे लोग हैं जो कि सर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोग इलेक्शन तो नहीं डिले करवाएंगे? कैसर साहब इलेक्शन तो डिले नहीं करवाएंगे अमन अमान की सूरत हाल की वजह से? मैं आपको बताऊं डिले तो हमने क्या, इलेक्शन नहीं हो सकते इन हालात में। मेरा ये कैटेगोरी मैं अपनी तरफ अपनी जाती बात कर रहा हूं। सर क्या हालात है? सर क्या हालात है? मुल्क की मुईशत खत्म हो चुकी, आप मुल्क फेल होने के, हमारे कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, हमारी एलसीज नहीं खुल रही, हमारे कंटेनर खड़े हैं, हमारे वजीर खजाना जो है ना वो मैं कहता हूँ फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ मीटिंग में नहीं आते ना, असेंबली में कोई डिबेट हो रही है फाइनेंस के और मईशत पे, ना दहशतगर्दी में भी डिबेट हो रही है। हमने तो यही तो इमरान खान आपको वार्न कर रहे थे कि अदम एतमाद ना करें, अदम एतमाद कर ली फॉरन इलेक्शन में चले जाए वरना तबाही आ जाएगी। आज आप लोग वही तबाही का रोना रो रहे हैं, तो खान यही तो आपको कह रहे थे फिर? क्या गरीजा कोई अदम इतमाद करना गैर कानूनी है? अगर एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है उसके एलआई उससे हट जाते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, उसके अपने एलआई आप वो अपने पास नहीं रहे, बल्कि उनके अपने 22 मेंबर अभी भी बैठे हुए हैं। हमारा कोई मेंबर टूटा? हम अपोजिशन में भी थे, पीपल पार्टी का या नून लीग का या जेयूआई का, कोई एक मेंबर भी टूटा अपोजिशन में भी? अच्छा सर, उनके अपने मेंबर तो उनके साथ नहीं है। सर एक माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो गए हैं सेंटर नुमान वजीर खटक साहब के लिए और नाज बरोद साहिबा से भी काफी सवाल करने वाले हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन द लाइव प्रोग्राम एंड देन वी विल कम बैक इमीडिएटली। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिफोर आई गो टू सेंटर नुमान वजीर खटक साहब बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हिम, अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम नाज बलोच साहिबा। नाज साहिबा, क्या आप पीपल्स पार्टी वो भी समझती है कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते? कैसे साहब ने पीएमएलएन तो बार बार कह रही है कि जी इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, व्हाट्स द टेक ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए हम तो समझते हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल अपनी मुद्दत में इंशाल्लाह होने चाहिए और यही जो है जमहूरी जो तरीक़ेकार है, लेकिन हालात और वाकियात किस तरफ जा रहे हैं इस बात में भी कोई शक नहीं कि मुआशी सूरत हाल, खुद इमरान खान जब वजीर आजम थे तो फरमा गए थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये इमरान खान साहब कुछ माह पहले अपनी हुकूमत के जाने से पहले उन्होंने ये बयानात दिए थे और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली, आने वाला वक्त और मुश्किल होगा और आईएमएफ के पास लेट जाने की वजह से जो शुरू में 6 महीने इन्होंने डिले किया और उसके बाद असद उमर जब आईएमएफ ये गए तो उसके बाद जो सख्त शर्त और शराइत के ऊपर पीटीआई ने जो डील्स की ना साहिबा, तो उसके नतीजे जो महंगाई है 3 months शॉर्ट ऑफ कंप्लीटिंग अ ईयर, 3 months शॉर्ट ऑफ कंप्लीटिंग अ ईयर, पीडीएम 3 महीने बाद 1 साल मुकम्मल कर लेगी। अब आप लोग इमरान खान को इल्जाम देना बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। नहीं जी, इल्जाम तो देंगे, क्यों नहीं दें उनको, इल्जाम तो बनता है। जब मुल्क में आप हुकूमत में आए तो 24,000 अरब कर्जा हो और आप जब जाएं 3.5 साल में तो उसके बाद आपने कर्जा जात अगर बढ़ा के 54,000 अरब कर दिए हो तो सवाल तो बनता है। जब आपने मुल्क को हुकूमत में रहते हुए खुद वजीर आजम होते हुए चिल्लाते रहे कि मुल्क में करप्शन है करप्शन है करप्शन है, इतना आपने करप्शन करप्शन किया कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई तो सवाल तो बनता है। जब आपने इंटरेस्ट रेट 13.5% पे पहुंचा के पूरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी तो सवाल तो बनता है। जब आपने आईएमएफ की डील्स गलत की और उसके बाद आपने दुनिया में इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ पाकिस्तान को धकेला, सवाल तो बनता है। जब आपने अपनी हुकूमत बचाने के लिए अमरीका के ऊपर साइफर वाला एक इल्जाम लगा के एक इंटरनेशनली अपना मस्खरा बनाया तो सवाल तो बनता है। जब आप ऐसे हालात पैदा कर ले कि आपके होते हुए ना सऊदी आपसे बात करने को तैयार था ना चीन आपसे बात करने को तैयार था तो सवाल तो बनता है। 3.5 साल में आपने मुआशी तौर पे और हर लिहाज से एक आइसोलेशन में आप लेकर गए और अब इस हुकूमत ने गुज़श्ता
इतने कम वक्त के अरसे में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव किया, हमने दुनिया भर में पाकिस्तान की जो है एक इमेज बिल्डिंग की और पाकिस्तान का केस जाके आगे रखा, चाहे क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, एक तहाई पाकिस्तान सैलाब की जद में है, कभी एक दफा पीटीआई के किसी रहनुमा ने जहमत की के सैलाब जदगान के पास जाके इजहार हमदर्दी भी कर ली, दुनिया भर से बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर जाके प्लेजेस ले रहे हैं कि हमें मुश्किल वक्त में सामने आके हमारी इमदाद के लिए, इमदाद नहीं हमारा राइट है उसमें सब आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालें, तो ऐसे में हमने तो अपना काम किया, इनको तो अच्छे हालात में इकॉनमी मिली थी, इनको तो बहुत अमन अमान की सूरत हाल में इकॉनमी मिली थी, इनको मुल्क बहुत बेहतर कंडीशन में मिला था, इनको तो 110 से 120 मिला सेंटर नुमान साहब 200 तक पहुंचा के बैठे, तो सवाल बनते हैं गरीब, सवाल बनते हैं, सवाल बनता है इल्जाम अगर ठहराते हैं तो बुनियाद पे करते हैं जी। सेंटर नुमान वजीर खटक साहब सवाल तो बनता है, कह कह के नाज बलोच साहिबा ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं, तो आपका जवाब तो बनता है, तो इनका भी जवाब दे दीजिए, प्लस नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों की आपको बातों में से हल्का हल्का तासुर तो मिल रहा होगा कि इम्कानात तो हैं कि इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाएं या हो जाएं। सेंटर नुमान साहब सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा होता है कि ये 1/3 पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, बिल्कुल गलत है, ये सारे लोग बोल रहे होते हैं गलत चीजें, इस तरह कोई भी नहीं है, इस तरह बाहर के मुल्कों लोगों को भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, लंच होगा पैसा कोई नहीं मिलेगा, सही फैक्ट्स पर बातें करेंगे, फैक्ट्स पर तो आगे ठीक चलेंगे। अब आया जहां तक आपका अभी फिलहाल पोजीशन जो है ना, इस सारे पिछले 9 महीने के अंदर सबसे ज्यादा लॉस पीएमएलएन हुआ है, पीपल्स पार्टी है बाकी जितनी अलायंस है किसी को इतना लॉस था, पीएमएलएन हैज बीन अ लूजर। अब पीएमएलएन को इस पोजीशन पर पहुंचे हुए कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे चलेंगे, इनके ख्याल में फॉरन फंडिंग मिलेगी, यूएस आईएमएफ से पैसा आएगा और बेहतर हो जाएंगे, और इलेक्शन को चाहिए कि जरा डिले हो जाए कि हमारी पोजिशन पाकिस्तान में बेहतर हो जाए। पीपल्स पार्टी एंड रेस्ट अदर्स दे आर कंफर्टेबल, वो अभी वही पोजीशन है, लेकिन पीएमएलएन इज इन अ लॉस। सो सर्कमस्टांशियली स्पीकिंग पीएमएलएन वुड नॉट लाइक इलेक्शन टू टेक प्लेस। आज जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसकी वजह से यस, जैसे अभी बाकी दो साथी कह रहे हैं, नाज बलोच साहिबा भी कह रही है कि जी हाँ इलेक्शन पोस्टपोन करना जाए, सो द विनर इन दिस गेम इज बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर पीएमएलएन है, जिसकी जिसको ये चीजें होंगी इससे डिले होगा और शायद उनकी पोजिशन अच्छी हो जाए। आगे जहां तक आप बात करते हैं कि इलेक्शन जो होने वाले, ये निगरान हुकूमत जो आपने बैठाई है पंजाब में और केपीके में, ये तो सब एंटी पीटीआई है, सारे एंटी पीटीआई है। केपीके में मैं बात कर दूं, अदर देन चीफ मिनिस्टर आजम खान और अपना सुशा बाचा, ये दो जो है ना ये न्यूट्रल है, बाकी तो उसकी पार्टीज के एएनपी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, बाकी पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं, दिस इज टोटली प्रो पीडीएम एंटी पीटीआई गवर्नमेंट। इससे मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये इलेक्शन जब भी होगा, 3 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद, जब भी होता है, अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई हो ना तो इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं होगा और कभी भी पार्टीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पीटीआई स्पेशली हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये निगरान हुकूमत साथ एक्सेप्ट नहीं करते। आगे आप चलते हैं, जो आप बात करते हैं, बार बार लोगों ने बात की कि आप बैठते नहीं इनके साथ बात करने के लिए, आई एम सॉरी, मैं हो गया, कैसर शेख साहब हो गए, बहुत और लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं जो किसी चोरों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। अगर ये लीडरशिप है पीएमएलएन की, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इनके साथ तो बैठना कभी भी इमरान खान, मैं, बाकी जो शरीफ लोग हैं जो सही चीज बात करते हैं वो बैठना पसंद नहीं करें, कोई और आ जाए, बड़े अच्छे अच्छे पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे लोग। सर आप कह रहे हैं कि आज पिशावर का, सर आपके शहर का इतना अंदोहनाक वाकया हुआ है, आप इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम नहीं बैठेंगे, इसके बावजूद आप चोर कह रहे हैं नून लीग पीपल्स पार्टी को? नहीं, देखें जहां तक आपने बात की ना कि अगर हमने नेशनल सिक्योरिटी पर बैठकर बात करनी, हाँ। बिल्कुल बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने नया प्रकार बनाया था, हाँ। नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, नन ऑफ इट वॉज फॉलोड, अदर देन 20 में से 2 पॉइंट 18 पॉइंट। दहशतगर्दी के मामले में तो इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ और जरदारी साहब के साथ बैठेंगे ना, बैठ सकते हैं ना? मुझे सर ये बात बताएं, पहले तो ये इन्वेस्टिगेट किया जाए, बड़ा मुश्किल है टू कम टू द कंक्लूजन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉम्ब ब्लास्ट, हु आर देयर फैसिलिटेटर्स, किसने ये कराया, सर्कमस्टांशियली एडवांटेज किसको मिलता है, सर्कमस्टांशियल एडवांटेज ये मिलता है कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए, किसको फायदा मिलेगा, पीएमएलएन को फायदा मिलेगा। सॉरी कैसर साहब, मैं आपको सीधी सीधी बात करूं, मेरे व्यूज है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये चीज है,
सर, आप एक थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं, एंड लेट मी अलाउ मी टू से दैट कि आप एक कंस्पिरेसी थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं कि पिशावर की दहशतगर्दी का जो वाकया है ये मुस्लिम लीग नून ने या गवर्नमेंट ने खुद करवाया होगा ताकि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, आपको इसके पीछे कोई साजिश की बू आ रही है? मुझे, मैंने आपको कहा कि ये ऐसे तरीकेकार बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह पाकिस्तान में होते रहे, हम सब एग्री करते हैं कि इस पर इलेक्शन नहीं हो सके, अगर नहीं हो सकेगा तो किसको फायदा? मैंने आपको पहला सारा गिरदार पढ़ा कि ये सबसे ज्यादा फायदा पीएमएलएन को होगा। पीएमएलएन इज एट द वीकेस्ट विकेट एट दिस टाइम, उसको आगे रास्ता नजर नहीं आता क्या? आपने बात की इकोनॉमी की, भी इधर बात है ही ना, इकोनॉमी के जो हालात है वो आपके सामने है। यासर शेख साहब बिल्कुल सीखे थे, मेरे नजरिए में तो रीदा ये मुल्क बचेगा तो आपकी इलेक्शन होंगे ना, ये साहब ने एग्री विद मी, ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, 3.2 बिलियन आपके रिजर्व रह गया, इंपोर्ट्स आपकी रुकी हुई है, 9,500 कंटेनर कराची में पड़ा हुआ है, और आपकी अभी मैं स्टील इंडस्ट्री की परसों मीटिंग हुई, स्टील इज शॉर्ट, इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, स्क्रैप इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। स्टील का बड़ा फर्क हो गया है, टेक्सटाइल का बड़ा फर्क हो गया है, लेदर इंडस्ट्री का बड़ा फर्क हो गया है, फार्मा इंडस्ट्री का, कोई इंडस्ट्री तो हम नाम ले लें जिसका बेहतर, सबका बड़ा फर्क हो गया है सर, सब रो रहे हैं। करीदा मैं आपको एक और बात बताऊं, कैसे साहब से पूछे इसका, अब वो कह रहे हैं क्या कि जी गाड़ियां पाकिस्तान में बननी, ट्रैक्टर दुनिया का सबसे सस्ता व्हीकल ट्रैक्टर जो है ना पाकिस्तान में बनता है, और सबसे महंगी गाड़ी पाकिस्तान में बनती है, आपने क्या किया कि ट्रैक्टर पाकिस्तान में बनना बंद करा दिया और कह दिया हम इंपोर्ट करेंगे ट्रैक्टर। ठीक है, ठीक। आपने व्हीकल जो है ना पिछले महीने आपने 226 व्हीकल 560 मिलियन की इंपोर्ट की पिछले तीन महीनों के अंदर, क्या क्या है? और जबरदस्त बात आप सुने, हुकूमत ने क्या फैसला किया है कि जी ऑर्डिनेंस जो अभी आने वाला है, कल परसों जो आने वाला है, उसके अंदर लिखा है जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल पर टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स लगा दिया, और कहते हैं इसमें रिफंड दे ले, रिफंड तो 700 बिलियन का रिफंड पड़ा हुआ है, आप तो एक्सपोर्ट को खत्म कर रहे हैं, ये तो जो है ना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी कौन है? साजिद, नॉट मिफ्ता, मिफ्ता जबरदस्त काम चला रहे इनकी पार्टियां, कैसर साहब ठीक आदमी है, एहसास डार ने बेड़ा गर्क किया जब 100 रुपए का डॉलर पकड़ा था, उसके बाद अब आया, अब इसने खानी चलाई, 200 रुपए का डॉलर, 200 का होता है, ये जाएगा 300 रुपए का डॉलर जाएगा, 300 पर जाएगा तो आपकी एक्सपोर्ट भी शुरू होगी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होगा, इस किस्म के फैसले करने चाहिए। लेट मी टेक कैसर अहमद शेख साहब ऑन बोर्ड, कैसर साहब ये सारे सवाल के जवाब दे दें, मईशत के हवाले से, प्लस जो एक कॉरिलेशन बिल्ड किया है सेंटर नुमान साहब ने कि दहशतगर्दी का अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप लोग हैं, नून लीग वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन हो गए तो आप लोगों का एडवांटेज होगा, कैसर साहब? देखिए गरीदा, मुश्किल यही है, देखिए ना, बगैर किसी सबूत के अगर इस किस्म के बड़े बड़े इल्जाम लगा दें कि हमें, क्योंकि हमने तो अपनी सेक्रीफाइस की है, हमने अपनी सियासत को सेक्रीफाइस की है और बड़े सख्त फैसले ले रहे हैं, ये जो छोड़ के गए थे ना, जो आप मुझे बताइए, क्योंकि नुमान वजीर साहब बिल्कुल समझते हैं बातों, मुझे बताइए कि 450 अरब रुपए 100 अमीर फैमिलियों को रजा बाकर इनके दौर में दे के चले गए बगैर इंटरेस्ट के, 1% इंटरेस्ट पे, वही पैसा अगर दरमियाने और छोटे कारोबारी को मिलता, एसएमईज को मिलता, आज मुझे फ्लोरिश करती, अब 450 अरब तो ब्लॉक हो गया, वो जो इंडस्ट्री आई है वो चल भी नहीं रही, अगर कोई इंडस्ट्री से वाकिफ है, क्योंकि ज्यादातर वो टेक्सटाइल के एयरजेट आई थी और एयरजेट दुनिया में स्लंप आ गया, चल नहीं रही, सिर्फ 100 अमीर फैमिलियों को आज तक मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका कि भाई मैं तो अगर कर्जा लेने जाता हूं तो आज मुझे 20% बैंक देता है तब भी मेरे कलेक्टर रखता है और देता नहीं है, सिर्फ 100 अपने चहेते लोगों को, पीटीआई की हुकूमत जो कि कहती तो है कि जी हम गरीबों के लिए हैं, ये दे दिए, चलो वो हो गया, अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज्यादा छोड़ के गया, इनके सामने है कि 16-17 अरब जून 2022 में क्लोजिंग हुई, 4,500 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट हुआ, बजट का डेफिसिट हुआ, अब ये देखना इल्जाम सेनेटर वजीर साहब से, वाकई मैं सुन के बड़ी मुझे तकलीफ हुई, कोई अगर देखे ना कोई सबूत हो इतना बड़ा इल्जाम कि क्योंकि इनको फायदा होता है, हमने तो अपना नुकसान करके ये फैसले कर रहे हैं, और दूसरा पिछले दिनों इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे यकीन है कि आसिफ जरदारी साहब मुझे मरवाना चाहते, अब जिस मुल्क में इस किस्म की बात हो जाए वहां क्या आपस में वफावियत होगी, जब इतनी बड़ी बातें आप शुरू कर देते हैं बगैर किसी सबूत, बगैर किसी लॉजिक के, तो क्या वो तो जानबूझ के इंतजार फैलाना चाह रहे हैं। आइए मैं आपसे अर्नेस्ट गुजारिश करता हूँ इस वक्त मईशत के बारे में, आज ये मैं चेयरमैन हूँ फाइनेंस कमेटी का, जिस जगह चाहे इनफॉर्मल मीटिंग ही कर लें, आप बंदे अपने बताएं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुल्क लहूलुहान हो गया है,
मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि हमारी मुल्क की मुईशत वेंटिलेटर पे है, बजाय हम उसके मरीज को अच्छा डॉक्टर और अच्छी दवाई दें, हम उसकी शादी की तारीख है, यानी हम कह रहे हैं इलेक्शन की डेटें दो, इलेक्शन का मुतहमल ही नहीं हो सकता ये मुल्क। इतना खर्चा, पहले आप सूबाई इलेक्शन करवा लें और 30-40 अरब रुपए उस पर खर्च कर दें और सिर्फ इमरान खान साहब 33-34 सीटों पे खड़े हो जाए, फिर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अक्टूबर में ड्यू है इलेक्शन, ओवरऑल इलेक्शन, फिर आप इलेक्शन करवा लें। इस सारे प्रोसेस से निकलेगा क्या, ये तो बता दीजिए। आपने एक इलेक्शन कराए थे 1970 में, एक इलेक्शन हुए थे, फेयर इलेक्शन हुए थे, मैं ये देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि हम और मरीज इंतजार की तरफ चले जाए, पहले कोई लाया अमल तो बना लेना। आप खुदा ना करे, खुदा ना करे कि ऐसा हो पाकिस्तान मजीद। आप एक लीडर की बात मानते हैं, 34 सीटों पे एक लीडर खड़ा हो जाता है, बाकी कोई खड़ा होने वाला नहीं है अपने इलाकों में। मेरे दोस्त अपनी आपकी अपनी सूबे में, पंजाब में तो केपी में हुकूमत थी, वो हुकूमत छोड़ के आप सड़कों पे आ गए। इंतजार के अलावा आपने किया दिया है राइट, तो आप बता कैसे साहब टाइम खत्म हो रहा है, कैसे साहब टाइम खत्म, नौकरियों में इतनी नौकरियां दी है। उस वक्त असद उमर मेरे साथ बैठते थे फाइनेंस कमेटी में, मैं चेयरमैन उस वक्त भी था, वो बार बार उनको समझाते रहे कि चले जाए IMF के बाद, जिस तरह उस वक्त डिले की, इसहाक डार साहब ने भी इस वक्त डिले की, हमारी हर चीज इकॉनमी सब मिलजुल के फैसले करे, उसमें सेनेटर नोमान वजीर साहब को भी बिठाए और दोस्तों को भी बिठाए, ताकि मुल्क जो है हमारा वो किसी जगह खड़ा। हम तो बहुत ही आज हमारे यहाँ ना बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1 अरब आ रही है, इंडिया में $50 अरब आ रही है, हमने माहौल ही नहीं पैदा किया, हमने तो एक दूसरे से लड़ाई करके पॉलिटिकल टर्मोइल करके हर एक को रोक दिया। कैसे साहब हमारी कैसे साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन कम से कम तमाम जो वर्दी पैनल है वो इस एक नुक्ते पे प्रिंसिपली मुत्तफिक है कि जी बैठना चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो मईशत का मामला हो, बट हु शैल बेल द कैट, इस बैठने के लिए पहल कौन करेगा, गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी को बहुत शुक्रिया, नाज बलोच साहिबा, सेंटर नुमान वजीर खटक साहब एंड कैसर अहमद शेख साहब। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगी, कुछ उनसे बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, अभी तक उन पर जो है ये केस चल रहा है जो बगावत का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक FIR दर्ज करवाने के बाद जो केस बनाया गया और बगावत की दफात उसमें दर्ज की गई, जो कि पहले दिन से कम अज कम मैं इसमें गुजारिश कर रही हूं कि सियासतदानों पर इस तरह बगावत की अखदारी के मुकदमा बनाना इंतहाई गलत है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बगावत का मुकदमा कायम कर देना एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े सियासतदान पे और एक साबिक वफाकी वजीर पे, ये इंतहाई मजका खेस है और ना सिर्फ इसका पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है। फवाद चौधरी को एक बार फिर जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये सारा एपिसोड, इसमें जितने अफसोसनाक पहलू हैं उसमें से एक बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि फवाद चौधरी की फैमिली को, खासतौर पर उनके जो मासूम बच्चे हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में, जो आज हुकूमत में है नून लीग पीपल्स पार्टी को, उनको इसी किस्म के शिकवे होते थे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के, तो आज जब PDM हुकूमत में है तो वही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां आखिर क्यों की जा रही हैं एक सियासतदान के साथ, उसकी फैमिली के साथ, इन्हीं मामलों पर बात करेंगे, फवाद चौधरी के केस के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हिबा फवाद चौधरी साहिबा, जो कि अहलिया हैं फवाद चौधरी की। हिबा अस्सलाम वालेकुम, और आपके लिए बहुत कठिन है पिछले कई दिनों से मुसलसल, बल्कि पहले दिन से जब से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, आप बिल्कुल उनके शाना बशाना हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी शरीक हयात के तौर पर, लेकिन जाहिर है आपके लिए बड़ा कठिन होगा, इस कठिन माहौल में भी आप चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए और बड़ी अजम के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आप ये फेस कर रही हैं, लेकिन आपके बच्चे भी हैं, दो छोटी मासूम बच्चियां हैं, आप खुद एक औरत हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए सब कुछ सहना, बर्दाश्त करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फरीदा फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। सबसे पहली बात यह देखिए कि हम एक इंसान हैं और इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन इस तरह का रवैया जिस तरीके का गवर्नमेंट ने अपनाया है गरीदा, ये बिल्कुल मैं बताऊं गलत है। और बच्चियों को देखें स्पेशली, जुर्म किया है, अदालतें खुली हैं, हम केस लड़ने को तैयार हैं, आपने FIR कराई है, हम अपना दफा करेंगे, लेकिन बच्चियों को तो आप मिलने की इजाजत दे दीजिए कम से कम, खुदारा इतना जुल्म ना करें आप, कल को ये टाइम आप पे भी आ सकता है।
कल को ये वक्त मेरे पे भी आ सकता है, किसी और पे भी आ सकता है, ये ना करें, ये ट्रेंड ना सेट करें कि हमारा हुकूमतों पे से लोगों का एतबार उठ जाए। पहले ही आपने देखा है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट जिस तरह इलेक्शन से भाग रही है, उस तरीके से ये ना हो कि इनकी जो इस तरह से ना हो कि इनकी जो कर रहे हैं बिल्कुल ही आप बेतबार हो जाए लोग इनसे। क्या वजह है, क्या कह के मुलाकात से इनकार किया जाता है? आपकी तो फिर भी शायद मुलाकात हो जाती है तकरीबन रोजाना, लेकिन बच्चियों की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या बताया जाता है आपको? कुछ भी नहीं बताया जाता जी, वो लोग तो ऐसे दहशत गर्दों की तरह फवाद को लेके आते हैं अदालत में। आज भी उनके हाथों में ऐसे हथकड़ी लगाई हुई थी जैसे पता नहीं वो कौन से दहशत गर्द हैं, ना वो भाग रहे हैं, वो आपसे ताबुन कर रहे हैं, हर इन्वेस्टिगेशन में आपसे शामिल कर रहे हैं। और ऊपर से खरीदा सबसे बड़ी बात, इनको सर्च वारंट चाहिए घर का, बच्चियों के दिमाग पे कि क्या असर डालना चाहते हैं घर पे आके, क्या करना चाहते हैं। मैं इनसे ताबुन करने को तैयार हूँ हर चीज में। इनको लैपटॉप चाहिए, ये आके कहते हैं मुझे बताइए कहाँ चाहिए, मैं आपको देती हूँ। आपको फोन चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स कोई चाहिए, आप बताएं तो सही कि आपको चाहिए क्या। नहीं, लेकिन इन्होंने आके सिर्फ मुझे और मेरी बच्चियों को ह्यूमिलेट करना है घर पे। अच्छा, ये बड़ा अफसोसनाक है हिबा, एक तरफ कुलभूषण जाधव जैसे दहशत गर्द को, उसको भी फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी जाती है, तो एक सियासतदान जिसने सिर्फ सियासत की है, आपका लाख उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपको एतराज हो सकता है उसके बयानात पे, लेकिन बच्चियों को फैमिली को नाम मिलने देना, फिर सर्च वारंट के जिस तरह आप शिकवा कर रही हैं कि बच्चियां होती हैं घर में, जाहिर है वो एक ट्रॉमा होता है छोटी बच्चियों के लिए। आपकी गवर्नमेंट से कोई अपील है? मैं किसी पार्टी की उससे नहीं बात करूंगी फरीदा के नून में क्या था हुआ या साफ में क्या हुआ या पीटीआई में क्या हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इमरान खान साहब जब आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो जिस तरीके से हमने कुलभूषण यादव को इज्जत दी, कोई उनको हथकड़ी नहीं लगाई, उनको चाय पिलाई, उनको कोई हमने उनके मुंह पे कपड़ा नहीं ढका। देखिए, फवाद साहब एक जाने माने वकील है, एक पार्लियामेंटेरियन है और एक सबसे पहले फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं इस गवर्नमेंट के, उनके साथ ये रवैया ना इख्तियार करे गवर्नमेंट। आपकी आपकी हुकूमत से कोई अपील है, वजीर आजम से कोई अपील है आपकी? बिल्कुल, मेरी अपील है वजीर आजम से कि वो क्यों चुप बैठे हुए, आपकी औलाद नहीं है, आपके वो नहीं है। आप ये याद करिए कि जब हमजा शहबाज साहब की अभी बेटी का उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम सारे दुआगो थे, क्योंकि बच्चियां सबकी हैं, हमारे लिए ये फर्क नहीं है कि ये आपकी है या मेरी है या उनके लिए दुआ नहीं करनी। तो फवाद साहब ने भी ट्वीट की थी, सबने दुआ गो थी, मैं इसमें सबसे आगे मैंने हाथ उठाए थे सारे इख्तलाफात के अलावा कि अल्लाह पाक इन बच्चियों को जिंदगी दे। लेकिन आप थोड़ा सा एहसास करें, किसी गवर्नमेंट ने किसी ने रब्ता नहीं किया, ऐसे ना करें आप लोग। लेकिन कोई नहीं गरीदा, आई एम फाइटिंग द केस और जब तक मेरी सांस है मैं लड़ूंगी, अपनी बच्चियों को मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी फवाद साहब से और इंशाल्लाह मैं खड़ी हूँ उनके साथ, ये ना समझे कि हम टूट गए। बहुत शुक्रिया हिबा फवाद चौधरी साहिबा, और खुदा आपका हामी और नासिर हो और आपकी मुश्किलात में आसानियां पैदा करे, और खासतौर पे जो मासूम बच्चियां हैं। पाकिस्तान ने ये मनासिर बहुत देखे हैं, पिछली कई दहाइयों से देखे हैं, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, मुसलसल पाकिस्तान एक दायरों के सफर में चलता आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में अपने वालिद से मुलाकात करने जाती थी, छोटी उम्र की थी, फिर जब खुद वो जेल में रही तो उनके बच्चे उनसे जिला वतनी में रही तो उनके बच्चों ने किस तरह सफर किया, आसिफ जरदारी जब जेल में रहे तो बच्चे किस तरह मुलाकात करने के लिए जाते थे, फिर नवाज शरीफ जब जेल में रहे, जब जिला वतन रहे तो बच्चे फैमिली सफर करते हैं। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये हो रहा है, दिन सदा एक से नहीं रहते, खुदा दिनों को फेरता रहता है, उसने अपने कुरान पाक में भी लिखा है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जहां सबके सांझे होते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अब यह था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया, टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।